क्या अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं इमरान खान? पैतरेबाज इमरान खान ने भारत को अब कौन सी धमकी दी है? चीन की चौधराहट के दम पर उछल रहा पाकिस्तान कभी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता है तो कभी बौखलाता है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने चला पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। चीन को छोड़कर फिलहाल कोई भी देश उसके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बौखला गए हैं और भारत को बार बार धमकी दे रहे हैं। दरअसल दुनिया के देशों से झटका लगने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत को युद्ध की धमकी दी है। कश्मीरियों की कथित आजादी का झूठा प्रोपेगेंडा रचते हुए इमरान खान ने अपने एक ट्वीट के जरिए एक बार फिर से भारत के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया है। अपने ट्वीट में इमरान ने लिखा है, मोदी सरकार को जानना चाहिए कि सेना उग्रवादी और आतंकवादी को ज्यादा ताकतवर सेना के जोर पर हराया तो जा सकता है, लेकिन इतिहास हमें कहता है कि जब एक मुल्क आजादी की जंग में एक हो जाता है और मौत से नहीं डरता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपनी मंजिल हासिल करने से नहीं रोक सकती है। इमरान खान यही नहीं रुके, अपने एक अन्य ट्वीट में अपने सरकार की शेखी भगाड़ते हुए उन्होंने लिखा, भारत की मोदी सरकार को जानना चाहिए कि कश्मीर में उनका एजेंडा कामयाब नहीं होने वाला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान इस तरह के पैतरीबाजी दिखा रहे हैं। भारत ने 5 अगस्त को जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किया है, इमरान खान भारत के खिलाफ इस तरह के पैतरे दिखा रहे हैं। भारत के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने में इमरान कभी हिटलर का हवाला देते हैं तो कभी संघ पर जुबानी तीर छोड़ते हैं, कभी दुनिया के देशों को ही धमकाने लगते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट काला कर देते हैं। 15 अगस्त को भी इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट की तस्वीर पर काली पोस्ट लगा रखी थी। इमरान ऐसा कर कश्मीरियों के साथ सहानुभूति जताने का दावा कर रहे थे, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि उनकी इस पैतरेबाजी से पाकिस्तान को कोई मदद मिलने वाली नहीं है और ना ही उनकी धमकियों से भारत पर ही कोई असर होने वाला है, क्योंकि गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की कारस्तानियों से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। इंडिया न्यूज़ वायरल रिपोर्ट।